नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। एमसीडी चुनाव टालने के खिलाफ आपने किया बीजेपी कार्यालय का घेराव, केंद्र पर जमकर साधा निशाना। दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद स्नेचर को किया अरेस्ट, 23 मोबाइल फोन और चोरी की 2 बाइक बरामद। पिता की मौत के बाद अवैध हथियार बेचने निकला बेटा, पुलिस ने आनंद विहार से किया अरेस्ट। और दिल्ली के गैस गोदाम में तैनात बुजुर्ग चौकीदार की निर्मम हत्या, पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी। राजधानी दिल्ली में निगम चुनाव टलने का मामला धीरे धीरे गर्माने लगा है। जी हां, दिल्ली के बाद पंजाब में मिली जोरदार जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज बीजेपी दफ्तर का घेराव किया। इन लोगों का कहना था कि दिल्ली में बीजेपी की हालत खस्ता है, इसीलिए केंद्र सरकार निगम के एकीकरण के नाम पर चुनाव को टालना चाहती है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित किए गए इस प्रदर्शन में कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल राय और आतिशी शामिल रही। आपको दिखाते हैं इस प्रदर्शन की कुछ खास झलकियां। दिल्ली में एमसीडी चुनाव टालने के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एमसीडी चुनाव टालने को राजनीति करार देते हुए आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व आतिशी और गोपाल राय जैसे बड़े नेताओं ने किया और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। लेकिन ये जो इनका प्रयास है चुनाव रद्द करने का, आम आदमी पार्टी एड़ी चोटी से उसका विरोध करेगी। देखिए, हमें इस बात का डर नहीं है कि चुनाव में हम हारेंगे या जीतेंगे, क्योंकि चुनाव चाहे आज हो, चुनाव चाहे 6 महीने बाद हो, चुनाव चाहे 1 साल के बाद हो, चुनाव तो देखिए केजरीवाल नहीं जीतना है, आम आदमी पार्टी नहीं जीतना है। लेकिन ये जो चुनाव रद्द करने की प्रथा है, ये जो चुनाव स्थगित करने की प्रथा है, ये बहुत खतरनाक है। अगर एक बार भाजपा ने हार के डर से एनसीडी का ये चुनाव स्थगित कर दिया, एमसीडी के इस चुनाव को रद्द कर दिया, तो आज तो वो यहाँ पे एमसीडी का चुनाव रद्द कर रहे हैं, कल को किसी राज्य का चुनाव हार रहे होंगे तो उस राज्य के चुनाव को भी रद्द कर देंगे। साथियों, मैं इसकी बधाई देता हूँ, ये भी अपनी एक बहुत बड़ी जीत है। चुनाव तो जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन देश की इतनी बड़ी पार्टी अगर आम आदमी पार्टी जैसे छोटी पार्टी से अगर डर के भाग जाए, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा बड़ी जीत कोई नहीं हो सकती। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। मैं दिल्ली की जनता को भी बधाई दूंगा कि पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का कहर जिस तरह से वो झेल रहे थे। मैं बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जानता हूं, बेचारे कहते हैं कि एरिया में प्रचार करना बड़ा मुश्किल हो गया था क्षेत्र में। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर, बैनर और प्ले कार्ड्स हाथ में लेकर बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने दिल्ली बीजेपी दफ्तर का घेराव किया। आपका आरोप है कि चुनाव टालकर बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कर रहे दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने भी केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने साफ किया है कि पंजाब की प्रचंड जीत से बीजेपी डर गई है और यही वजह है कि चुनाव टालना चाहती है। हम आज यहाँ पर ये संदेश देने आए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैंने टीवी चैनल पर सुना, भाजपा के लोग कह रहे हैं हम तो 4-4 राज्य जीत करके आए, हम लोग क्यों डरने लगे। अगर डर नहीं है तो मैं चैलेंज देकर कहना चाहता हूं, 1 हफ्ते के अंदर चुनाव घोषित करो दिल्ली का, परिणाम अगर जमानत तुम्हारी जब्त ना करा दे फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे।
और एक और बात कहना चाहता हूं, जो जो दिन बढ़ाओगे चुनाव के, जितने दिन बढ़ाओगे तुम्हारे सीटें हारने की संख्या बढ़ती जाएगी। वैसे तो वापसी जी ने कहा कि अगर चुनाव हो तो 250 जीतेंगे, दुर्गेश भाई ने कहा हम 260 जीतेंगे, लेकिन आंकड़ा अलग कह रहा है। दिल्ली में 62 जीते, पंजाब में 92 जीते, और अगली बार 200। ये जो 62, 92 और 272 का खतरा है, इससे डर है। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी से राजधानी में नगर निगम चुनावों की अनुमति देने का आग्रह करते हुए कहा कि चुनाव स्थगित करने से लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम के एकीकरण की बात कही है, जिसको लेकर स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी भेजी गयी थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने चुनाव तारीखों के ऐलान को टाल दिया। इसी मुद्दे को लेकर अब आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ हमलावर है और प्रदर्शन कर रही है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने गाजीपुर एनकाउंटर में एक स्नेचर को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि शख्स के पास से चोरी के 23 मोबाइल और 2 बाइक बरामद हुई है। आपको दिखाते हैं शख्स किन किन अपराधों में अभी तक संलिप्त रहा है। दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इस शातिर स्नेचर को गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली एनसीआर में चोरी, लूट और स्नेचिंग की सैकड़ों वारदातों को अंजाम दे चुका है। पूर्वी दिल्ली की स्पेशल स्टाफ की टीम ने गाजीपुर पेपर मार्केट में हुए एनकाउंटर के बाद इसे गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस फायरिंग में बदमाश को गोली लगने से घायल हुआ है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हिमांशु के तौर पर हुई है। इसकी गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में 400 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले थे। हमारे स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर हैं सत्येंद्र खारी, साथ में एसीपी कल्याणपुरी हमारे साथ हैं, जो कि अभी ऑप्स का भी चार्ज देख रहे हैं, और हमारे साथ में महेंद्र हैं, और एचसी हमारे श्याम सिंह, कपिल नागर, नेहित और जोगिंदर ढाका जी, ये सब ने एक टीम बनाकर इनको ट्रेल करना शुरू किया और ये स्पॉट हो गए। और जैसे ही हम इनको चेस कर रहे थे, देखा यहाँ पर कोंडली रेड लाइट के इन्होंने यहाँ से एक टर्न लिया, और जैसे ही हम इनके पीछे लगे हुए थे और इन्होंने पुलिस टीम को देखा, इनके साथ एक पिलियन राइडर भी थे, उन्होंने जंप लगा ली और वो भाग गए और पेपर मार्केट में ये घुस गए वहां पर, और हिमांशु फिर एक कोशिश की उन्होंने भागने की, और जब वो कोशिश कर रहे थे उसमें इन्होंने अपनी बाइक छोड़ दी, और जैसे ही बाइक छोड़ी हमारी टीम जो पीछे लगी हुई थी उस पर इन्होंने एक पिस्टल तानी और 2 बारी गोली मारी, और एक इनफैक्ट हमारे जो महेंद्र हैं उनकी बीपी जैकेट पर भी एक गोली लग गई, बट थैंकफुली ही सेफ, कोई ऐसी इंजरी नहीं आई है। और रिटालिएशन में फिर हमारे जो कांस्टेबल विचित्र हैं उन्होंने फायर किया, और उसमें उनको दाहिनी टांग राइट लेग पर चोट लगी है, हाउएवर ही सेफ। और इससे हमारे करीबन 23 मोबाइल फोन रिकवर हो गए हैं, और इन्हीं के इंस्टांस पर एक और वाइट अपाचे पाई गई, जो कि पता चला कि वो भी एक नंद नगरी की चोरी की बाइक है। एक्चुअली इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसे था कि ये एक बाइक चोरी करते थे, फिर उससे करीबन महीना स्नैचिंग करते थे, और फिर दोबारा उसको कहीं छोड़ देते थे, फिर दोबारा चोरी करते थे। आरोपी के पास से पुलिस को 23 मोबाइल फोन और 2 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपी चोरी और स्नैचिंग के लिए चोरी की बाइक्स का इस्तेमाल करता था। इसकी तलाश में जुटी पुलिस को मुखबिर से इसके गाजीपुर आने की टिप मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने इसे पकड़ने का प्लान बनाया। मुठभेड़ के दौरान स्नैचर ने पुलिस पर भी फायरिंग की। गनीमत रही कि पुलिसकर्मी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। आरोपी हिमांशु ने पूछताछ में खुलासा किया है कि वो फरार बदमाश हेमंत उर्फ मुक्का के साथ मिलकर क्षेत्र में सैकड़ों वारदातों को अंजाम दे चुका है। फिलहाल पुलिस इससे पूछताछ कर इसके बाकी साथियों का पता लगा रही है, ताकि उन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके।
दिल्ली से सुरेंद्र सिंह के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। पिता की मौत के बाद उनका अवैध हथियार यूपी से हरियाणा बेचने जा रहे एक शख्स को आनंद विहार थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस शख्स के पास से 10 कारतूस भी बरामद किए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। पुलिस की गिरफ्त में आया ये वो शख्स है जो अपने पिता की मौत के बाद उनका अवैध हथियार यूपी से हरियाणा बेचने जा रहा था। हालांकि पुलिस ने इसके मंसूबों को नाकाम करते हुए आनंद विहार बस अड्डे से इसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान यूपी के गढ़मुक्तेश्वर निवासी रविंद्र कुमार के तौर पर हुई है। जैसे कि आप जान रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ एक मुहिम चला रखी है हमने पूर्वी दिल्ली में ऑपरेशन सुदर्शन के नाम पर। तो उसके ऊपर हम लोग के स्टाफ लगा हुआ था आनंद विहार बस अड्डे के आउट गेट पे। हमारे एक हेड कांस्टेबल है इंदर शर्मा और कांस्टेबल मनोहर, उन्होंने एक व्यक्ति को नोटिस किया जो एक बैग लेके जा रहे थे। सस्पिशियस लगे क्योंकि वो जैसे ही उन्होंने पुलिस वालों को देखा तो थोड़ा सा हाइड करने की उन्होंने छुपने की कोशिश की। तो उनकी जब सर्चिंग की तो उनसे हमें एक ये अवैध आम बरामद हुआ जो कि कंट्री मेड पिस्टल है और करीबन 7 कार्ट्रिजेस उनसे मिले हैं। इनका नाम रविंदर कुमार है, 24 साल के हैं, हापुर यूपी के रहने वाले हैं और इन्होंने अभी तक तफ्तीशी में ये बताया है कि ये कंट्री मेड जो पिस्टल है इनके फादर कलवा सिंह हैं उनकी थी। ही इज एक्सपायर्ड, वो मृतक हैं, वो अभी he's not alive. और उनका ये कहना है कि वो पलवल में इसको बेचना चाह रहे थे ताकि इससे कुछ कमाई कर पाए और बेसिकली इनकी कोई आमदन नहीं है, अनमैरिड है जी। मैम, फादर की पिस्टल बताई जा रही है, क्या फादर के पास कोई लाइसेंस था, कुछ पता चल पाया? तफ्तीशी उसमें जा रही है, हम इसके बारे में तफ्तीश कर रहे हैं। पूछताछ में आरोपी रविंद्र ने बताया है कि उसके पिता अवैध हथियार रखते थे। 2 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई और उसे पैसों की जरूरत थी तो उसने सोचा कि अवैध हथियार को बेच दिया जाए। हथियार को बेचने के लिए वो हरियाणा के पलवल इलाके जा रहा था। हालांकि पुलिस ने उससे पहले ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिल्ली से सुरेंद्र सिंह के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में स्थित एक गैस गोदाम में उस वक्त सनसनी मच गई जब यहां पर 50 वर्षीय चौकीदार की किसी ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में स्थित जीएस गैस एंटरप्राइजेस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गोदाम में चौकीदार के तौर पर काम करने वाले 50 साल के बुजुर्ग गार्ड का शव मिला। गार्ड की निर्मम हत्या कर दी गई है। मृतक गणेश लाल उत्तर प्रदेश के गोंडा का रहने वाला है जो दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में रहता था और गैस गोदाम में चौकीदार के तौर पर काम कर रहा था। वहीं हत्या की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लूटपाट के इरादे से हत्या का शक जाहिर किया है। क्या जानकारी मिली, क्या हुआ है आपके गोदाम पर? ये गोदाम मेरे मामा जी का है और किसी कारणवश वो आज नहीं आ पाए तो मुझे जानकारी जो मिली थी कि यहाँ किसी हमारे एम्प्लॉय का मर्डर हुआ है या अचेत अवस्था में मिला था तो उसी के बाद फिर हम लोग आए और तब तक पुलिस भी यहाँ पहुँच चुकी थी मौके पर और पुलिस फिलहाल अपनी तफ्तीश कर रही है। बस इतना ही मुझे कहना है। क्या नाम है इसका, कुछ बताएंगे? इसे इसका गणेशी लाल शायद नाम था जहाँ तक मुझे अभी तक जानकारी है, पूरा तो मुझे नहीं पता क्या इसका पूरी डिटेल है। बताया जा रहा है कि किसी और चौकीदार की जगह यहाँ ड्यूटी कर रहा था। हाँ, मतलब ऐसा मुझे भी सुनने में आया कि पहले एक लड़का था तो वो चूँकि अपने गाँव गया हुआ था तो उसके स्थान पर ये रह रहा था। क्या लगता है आपको लूट के इरादे से? कुछ नहीं, अभी हमने देखा ही नहीं हमारा क्या नुकसान हुआ है क्या नहीं हुआ, सब अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत है तो अब ये जब खत्म हो जाएगा तब पता चलेगा क्या डैमेज हुआ क्या नुकसान हुआ। हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिवार वालों को भी हत्या की सूचना दे दी है। वहीं पुलिस ने घटना स्थल से सबूत इकट्ठे किए हैं। पुलिस ने गैस गोदाम में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी कब्जे में ले लिया है ताकि हत्यारों का सुराग मिल सके। हत्या की इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी है। वहीं किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस चौकीदार की हत्या किसने और क्यों की। उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही जांच कर मामले को सुलझा लेगी और हत्यारों की तलाश कर जेल भेजेगी।
दिल्ली से इशरार अहमद के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवद टाइम्स। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।